राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर, मंत्री रमेश मीणा की नाराजगी दूर होने की खबर है। आलाकमान ने गंभीरता से लिया था रमेश मीणा की नाराजगी को। प्रभारी अविनाश पांडे और सचिन पायलट के बीच भी इस बारे में बातचीत हुई। आज कांग्रेस की बाड़ेबंदी में शामिल हो सकते हैं मंत्री रमेश मीणा, जानकार सूत्रों से ये खबर मिल रही है। आपको बता दें कि 10 जून से कांग्रेस की बाड़ेबंदी शुरू हो गई थी, तभी से रमेश मीणा इस बाड़ेबंदी में शामिल नहीं हुए थे। चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी दिनेश कसाना फिलहाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिनेश, एक बड़ी अपडेट आ रही है, मंत्री रमेश मीणा जो कि शुरुआती दिनों से जब से बाड़ेबंदी शुरू हुई इस बाड़ेबंदी से दूर किए हुए थे अपने आप को, आलाकमान ने इसे गंभीरता से लिया और उनकी नाराजगी को दूर किया है, आज वो शामिल हो सकते हैं, क्या तमाम अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए रहती विधायकों के खरीद फरोख्त के चलते जो खबरें मिल रही थी उसके चलते कांग्रेस की ओर से विधायकों की बाड़ेबंदी की गई राज्यसभा चुनाव को लेकर जी। लेकिन जो खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री हैं रमेश मीणा, उनकी नाराजगी की खबरें लगातार सामने आ रही थी, वो इस बाड़ेबंदी में शामिल नहीं हुए। 10 जून से विधायकों की बाड़ेबंदी शुरू हुई थी लेकिन अभी तक वो इस बाड़ेबंदी में शामिल नहीं हुए थे। आलाकमान से सक्षम स्तर पर उनकी बातचीत हो रही थी। प्रभारी अविनाश पांडे जो AICC के ऑब्जर्वर आए थे, रणदीप सुरजेवाला, KR सिंहदेव, उनकी लगातार उनसे बातचीत हो रही थी लेकिन नाराजगी को लेकर उन्होंने ऐसा कोई बयान अभी तक मीडिया के सामने नहीं दिया था जो इस बात को लेकर संशय बना हुआ था कि इस बात को लेकर उनकी नाराजगी है। लेकिन उनकी नाराजगी को लेकर AICC तक खबर पहुंची और वहां तक आलाकमान ने इसको गंभीरता से लिया और कल भी जब सचिन पायलट दिल्ली से लौटे तो प्रभारी अविनाश पांडे के साथ उनकी बैठक हुई और इस बात को लेकर काफी चर्चा हुई। और अभी ताजा लेटेस्ट अपडेट मिला है कि आज रमेश मीणा की नाराजगी दूर हो गई है, जो भी उनकी नाराजगी थी, हालांकि किस बात को लेकर नाराजगी थी ये अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन आज वो इस बाड़ेबंदी में शामिल हो सकते हैं, ये लेटेस्ट अपडेट मिल रहा है। और आलाकमान ने उनकी नाराजगी थी उनको गंभीरता से लिया है। सचिन पायलट से आलाकमान की बात हुई, कल प्रभारी अविनाश पांडे से बात हुई और उसके बाद रमेश मीणा से देर रात प्रभारी अविनाश पांडे हैं, सचिन पायलट है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, उनकी भी इस बारे में बात हुई। जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से ये सवाल पूछा गया था कि मंत्री रमेश मीणा की कोई बात को लेकर नाराजगी है तो उन्होंने भी ये कहा था कि जो कांग्रेस का आलाकमान है प्रभारी अविनाश पांडे हैं, अगर वो हमसे नहीं कहें तो किस बात को लेकर उनकी नाराजगी है वो उनके समक्ष रख सकते हैं जी। तो तमाम जो कांग्रेस के नेता राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर राजस्थान आए, ऑब्जर्वर बनकर आए, उन्होंने रमेश मीणा से बातचीत की और उसके बाद अब ये लेटेस्ट अपडेट है कि आज वो बाड़ेबंदी में शामिल हो सकते हैं जी। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया दिनेश।